गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉन्ट्रेसियर के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं वंदना के दूसरे श्लोक की ओर बढ़ती हूँ। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। यथा तथापि यह पूज्य, यह मतलब जो, यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे। यथा तथा यह पूज्य, जो जैसे जिस प्रकार भी पूज्य है। यत्र तत्रापि यो अर्चिता, यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, जहाँ वहाँ यहाँ जैसे भी जो जिस प्रकार से भी अर्चित है। यो अपि वा सो अपि वा यो असो, वो ये भी हो या वो भी हो, ऐसे भी हो या वैसे भी हो, जैसे भी हो, जो जिस प्रकार से भी पूजा करता है, जिस तरह से भी जो पूजक को स्वीकार करता है, देव तस्पे नमस्तु मे, हे देव मैं जिस प्रकार से भी आपको प्रणाम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। बच्चों यहाँ पर आप देखिए, बीच में जो एस की तरह दिया हुआ है उसका उच्चारण अ होता है और इसे अवग्रह कहते हैं। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे यथापि, तो इसका संधि विच्छेद होगा यथा प्लस अपि, ठीक उसके नीचे य अर्चिता, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद य प्लस अर्चिता। अब हम लोग बढ़ते हैं, फिर देखिए यो अपि व सो अपि, यो अपि का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो य प्लस अपि, और सो अपि का संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा स प्लस अपि। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में माँ शारदा, माँ सरस्वती की वंदना की गई है। शारदा शारदाम भूजे वदना वदनाम भूजे, हे शरद के कमल के फूलों के समान मुख वाली माँ शारदा, शरदा शरदा स्मारकम सन्निधिम सन्निधि प्रिया, हे माँ शारदा जो हमेशा हमेशा से कल्याणकारी होती हो, हम छात्रों के लिए जो कल्याणमयी है, वो हमें ऐसा वरदान दे, ऐसा वरदान दे जो हमारे मुख से हमेशा अच्छी बातें, अच्छे कर्म, अच्छी चीज़ें ही निकले। संसार की सारी अच्छाइयाँ हमारे मुख में समाहित कर दो। हे माँ सरस्वती अपना आशीर्वाद हम सब छात्रों पर जरूर लुटाओ। बच्चों ये आपकी वंदना है। वंदना में आप इधर देखेंगे शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सब संस्कृत शब्दों का हिंदी में भी अर्थ है और उसे इंग्लिश में भी दिया गया है, इसे अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए। वंदना भी याद करना है और उसका अर्थ भी याद करना है। ये आज आप लोगों का होमवर्क है, गृहकार्य है। क्या वंदना, तीन वंदना है, इन तीनों वंदनाओं को आप याद करें और उसके दिए गए अर्थ को भी और शब्दार्थ को भी आप लोग याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर अगले पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।